हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसले ठाकुर। और जो आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज ये होगी ऑफ रोडिंग के ऊपर। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न मेरा ये था कि नेक्स्ट मंथ मैं गाड़ी को ले लद्दाख लेने के जाने वाला हूँ, तो मुझे कंफर्म करना था कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर या पिकअप को लेकर कोई इशू आ रहा है ऑफ रोडिंग में या नहीं आ रहा। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है। अगर ये आप वीडियो पूरी देख लोगे तो जो भी आपके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड या ऑफ रोडिंग से रिलेटेड या ले गाड़ी ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो को मैंने बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन में काफ़ी ही नैरो रोड में हम जहाँ बहुत ज़्यादा कर्व्स होंगे वहाँ पे गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चला के देखेंगे कि हमें क्या इशू आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। सेकंड, हम कच्चे रोडों पे चलाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई होगी वहाँ देखेंगे पिकअप में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। और थर्ड, हम चेक करेंगे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जहाँ बहुत ही नैरो और कच्चे रोड जहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर रोड पर मिल सकते हैं, वहाँ देखेंगे गाड़ी में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या ये अल्ट्रॉस ले लद्दाख ले जाने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही नैरो रोड है गाइस, ये आप ध्यान से देखो तो राइट वाले पिलर में, जब मैं राइट में काटूंगा गाड़ी राइट वाले पिलर में इशू होगा। आगे पूरा यू टर्न है, वहाँ आपको अच्छी जस्टिफिकेशन मिलेगी कि राइट वाले पिलर से क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये यू टर्न आ गया, देखना आप राइट वाला पिलर की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है, तो उस साइड से कोई गाड़ी आ रही है आपको इतना पता नहीं लगेगा। ये एक छोटा सा माइनर इशू है हिल्स में। बाकी सस्पेंशन और स्टीयरिंग बहुत ही सॉफ्ट है, कोई इशू नहीं है कटिंग में, बहुत ईजली एक हाथ से गाड़ी कट हो रही है और कोई इशू नहीं आ रहा, बहुत ही स्मूथली है। ये गाइस आप देखोगे तो प्रॉपर चढ़ाई है, और मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने कुछ ऐसा आरपीएम भी जस्ट एक का है और ये इजीली कार यहाँ चढ़ पा रही है। तो जिन लोगों को लगता है अल्ट्रॉस अंडर पावर है उनको मैं बताना चाहूँगा ऐसा कोई इशू नहीं आता। आप देखोगे तो एक के आरपीएम में है गाड़ी और इवन मैं सेकेंड गियर पर चढ़ा रहा हूँ तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, कार ईजिली चढ़ रही है। आप देखोगे कितनी चढ़ाई है, बिकॉज अगर कार दूसरे गियर में इतनी इजली चढ़ रही है तो मुझे नहीं लग रहा कोई पावर का इतना सा इशू है। हाँ, i20 से रिलेटेड पावर कम है आई एग्री, बट इतनी भी कम नहीं है, एज सच आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। या आप रोड्स की हालत देखो, बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट आपको लेह लद्दाख में भी ऐसे रोड नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं अपनी अल्ट्रॉस लेके गया था और मैं आपको बाद में वीडियो भी दिखाऊंगा यहाँ से ले जाने की अल्ट्रॉस की। बहुत ही गंदी हालत है रोड की,
तो अगर यहाँ अल्ट्रॉस बिना इशू के जा पा रही है तो मुझे नहीं लग रहा ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई भी इशू है, और लेह लद्दाख में मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं आपको इन रोड्स पे चला के दिखाता हूँ। अब देख सकते हो रोड्स की हालत कितनी ख़राब है, सामने से कोई भी आए एक बाइक भी क्रॉस नहीं हो सकती, और नीचे खाई है और ये सिंगल लाइन का रोड है, वहाँ से एक आदमी भी आए वो भी क्रॉस नहीं होगा, और अल्ट्रॉस बहुत ईजली यहाँ से जा पा रही है और बहुत ईजली इसकी कटिंग हो रही है, इधर कोई इशू नहीं हो रहा, कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कार को, स्टीयरिंग इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके सस्पेंशन भी इतने अच्छे हैं, तो गड्ढे या पत्थर आ रहे हैं कुछ ऐसा इशू पता भी नहीं लग रहा अंदर। कोई यहाँ बाइक लेके भी नहीं जाया और मैं अपनी अल्ट्रॉस लेके आ गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ये देख सकते हो कितना रिस्क है, नीचे कितनी गहरी खाई है और ये सिंगल रोड है, कोई सामने से इंसान भी आए तो भी क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको नीचे से दिखाता हूँ। तो आप देखोगे एज सच कोई इशू नहीं आ रहा। ये आगे जो आप पैडिंग देखोगे उसके नीचे भी बहुत स्पेस है, इस पैडिंग ये आपकी नीचे टच हो सकती है पत्थरों में, बट ये रबड़ होता है तो कोई इशू नहीं आता। आप देख सकते हो यहाँ ये पत्थर पड़ा है तो इसमें ये पैडिंग लग सकती है, बाकी एज सच कोई इशू नहीं। जैसे कि आपने देखा गाड़ी में मुझे एक भी मेजर इशू नहीं आया, तो मैं ये गाड़ी अल्ट्रॉस लेके जा रहा हूँ मैं लास्ट वीक में। हाँ थोड़े दो माइनर इशूज आए, वो फर्स्ट वन जैसा मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताया कि जब भी आप गाड़ी को राइट में टर्न करते हैं तो जो राइट का पिलर है उसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर नहीं होती, थोड़ा वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है जब आप पूरा व्यू आपको नहीं आता जब भी आप गाड़ी राइट में काटते हैं। एक ये थोड़ा माइनर इशू है। सेकंड इशू ये है, मेरे को जो आया फील हुआ कि जब भी आप गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाते हो तो कैबिन नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आता है गाड़ी के अंदर। अगर आप साउंड प्ले कर रहे हो या तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, बट अगर आपने साउंड प्ले नहीं करे हो तो आपको कैबिन नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये दो थोड़े से इशूज़ हैं, इशूज़ नहीं कहूँगा बट ये माइनर प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको आ सकती है अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे। इसके अलावा कोई इशू नहीं है, गाड़ी नीचे से एक बार भी टच नहीं हुई, मैंने इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी है। तो थम्स अप टू अल्ट्रॉस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप बात करो मेरी अगली वीडियो की, मेरी अगली वीडियो में मैं इसकी सेकंड सर्विस कराने जा रहा हूँ, और मैं सेकंड सर्विस में इसकी रबड़ कोटिंग भी करवाऊँगा नीचे गाड़ी में, साइलेंसर कोटिंग भी करवाऊँगा और इसका सिस्टम भी अपडेट करवाऊँगा, और मैं आपको सब बताऊँगा कि मेरा क्या खर्चा आया क्या नहीं आया और कितना मेरे को रबड़ कोटिंग का उन्होंने बोला और कितना मैंने दिया, कितना साइलेंसर कोटिंग का मुझे चार्ज लगा, अपडेट होने के बाद परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव आया या नहीं आया, और सेकंड सर्विस में ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगती। तो नेक्स्ट वीक आप ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगा, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी है प्लीज़ गाइस लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर ऑल गाइस, बी सी ए पेंटिंग।